आज काउंटिंग का दिन है, शुरू हो रही है काउंटिंग। कितनी उम्मीद है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन? पूरा भरोसा और विश्वास है मुझे मेरे जमालपुर खाड़िया के हमारे जो मतदार हैं, जिन्होंने मुझे 2017 में भी एमएलए बनाया था, 2022 के अंदर भी जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तब से तय हो गया था कि इमरान खेड़ा वाला ये सीट जीतने वाला है। मेरे सामने इस वक्त मुकाबला बहुत बड़े बड़े नेताओं के सामने था, मेरा मुकाबला साबिर भाई काबली वाले जो मीम के अध्यक्ष है गुजरात के, उनके सामने नहीं था। मेरे सामने ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। वो एक माहौल बनाना चाहते थे कि साबिर भाई काबली वाला जीत जाए। साबिर भाई के लिए वो खुद ऐसा प्रचार करते थे कि मैं खुद इलेक्शन लड़ाऊँ, ये इलेक्शन साबिर भाई काबली वाला नहीं लड़ रहे। इमरान भाई, आपको ऐसा नहीं लगता 2012 का रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट स्प्लिट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है जमालपुर खाड़िया में? नहीं, अभी आप रिजल्ट आएगा 11-12 बजे, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खेड़ा वाला वीन होकर यहाँ से निकलेगा। मुझे भरोसा है अल्लाह पर, ईश्वर पर, कि मैं चौक्कस जीतूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, लोगों ने मेरे काम को जाना है, पहचाना है। इसके लिए मेरे को भरोसा है, विश्वास होता है ना वो चीज़, वो विश्वास मेरे में। आप और AIMM सिर्फ वोट काटने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप और मीम, ये दोनों पार्टियां जिस तरह से लड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा कराने के लिए लड़ी है।